नायब सिंह सैनी के नाम का समर्थन किया और सर्वसम्मति से उनको मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत किया गया। हम तो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। मुझे तो किसी गेट पे चपरासी बना देंगे ना तो मैं उससे भी खुश हूँ। सातवीं बार चुन के आया हूँ, सातवीं बार, और आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, ना मांगूंगा आगे भी। मैंने कुछ नहीं मांगा था, मैंने एक स्पष्टीकरण दिया था। मेरे बारे में एक दुष्प्रचार किया गया था कि अनिल विज तो बनना नहीं चाहता, तो मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया था। मैंने नायब सिंह सैनी के नाम का समर्थन किया और सर्वसम्मति से उनको मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत किया गया। आपके लिए मंत्रिमंडल में जाना, ये सोच रहे पार्टी का काम होता, हमारा काम नहीं है ये। हम तो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। मुझे तो किसी गेट पे चपरासी बना देंगे ना तो मैं उससे भी खुश हूँ। है पार्टी ने आज तक जो भी दायित्व मुझे दिया है मैंने वो निभाया, उसको पार्टी जानती है इस बात को। नहीं कोई नाम नहीं, सर्वसम्मति से मैंने कहा। अलग समारोह होगा मंत्री, अब ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, इसका मुझे मालूम नहीं है। बीजेपी को दिया है उसका क्या कुछ रहा, किस तरीके से उनको एडजस्ट जो है वो करेगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं वही पार्टी सोचेगी ना, पार्टी हाईकमांड सोचेगी सब कुछ बैठ के। आप भी सब सीनियर मोस्ट नेताओं में जो है वो बीजेपी के आते हैं, हमने देखा है कि अभी तक का जो रिवायत रही है बीजेपी की, दो उप मुख्यमंत्री जो है वो बनाए। देखिए मुझको कुछ मालूम नहीं है, पार्टी सब इन बातों पर विचार करती है। मैं तो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, सातवीं बार चुन के आया हूँ, सातवीं बार, और आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, ना मांगूंगा आगे भी। मुझे कहीं खड़ा कर देंगे मैं वहीं से खड़ा होके काम करूंगा, वहीं से खड़ा होके छक्के मारूंगा। मैंने कुछ नहीं मांगा था, मैंने एक स्पष्टीकरण दिया था। मेरे बारे में एक दुष्प्रचार किया गया था कि अनिल विज तो बनना नहीं चाहता, तो मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया था। नहीं मैंने कहा था पार्टी बनाएगी तो दायित्व लूंगा, मैंने इनकार नहीं किया। हाँ, इस कैबिनेट में आप हिस्सा होंगे? भाई मैं कैसे बता सकता हूँ।